मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। जरूरी तेरा जाना नहीं, यहाँ रहना है। चुपचाप बैठी रहे समझे? हाँ बोल। मैं तैयार बैठा हूँ प्याली, तू आ रही है ना? कर्मा, मैं तेरे पास ही आ रही थी, पर रास्ते में कुछ लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मैं उनसे बचकर भाग रही हूँ। क्या? कौन लोग हैं? मैं नहीं जानती, पर वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। शक्ति दो लड्डू को पर। मेरी तो अब थोड़ी सी जिंदगी बची है भगवान, पर मेरी फाल्गुनी की हमेशा रक्षा करना, उसे हमेशा हर तरह की मुश्किल से बचाना। मैं आ रहा हूँ, ठीक है? फोन मत काटना। पता नहीं, पार्लर के पास में जो पहला चौराहा आता है वही कहीं आसपास। वो नहीं, ए, वो नहीं। नियति, बालकनी को फोन करके पूछो प्याली और वो कहाँ है। चीजू, चीची माँ का फोन बंद है और किट्टू दीदी का फोन बिजी बता रहा है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो, हाँ बोलो, सरिता कहाँ है? माफ कर दो मैडम साहब, वो फाल्गुनी भाग गई, हमें घायल करके वो भाग गई। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही? यहाँ भी तैयारियां मैं ही देख रही हूँ, वहां की भी तैयारियां देख लूंगी, तुम बस आ जाओ, ठीक है? मैं अभी आई। ये हो क्या रहा है? चीमा का फोन बंद है और किट्टू दीदी का फोन बिजी। भाई साहब, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मेरा फोन कहीं गिर गया है, मुझे बहुत जरूरी फोन कॉल करना है, प्लीज।
रुको बहना, बात तो सुनो। अरे रुको फिदान। क्या हुआ? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। चीठी माँ का फोन बंद है। मैंने फोन पूरा चार्ज करके दिया था, बैटरी 100% थी, और अब कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना फिदान? नहीं नहीं घबराओ मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो कर्मा से सच पता लगवाने वाली थी, और कहीं कर्मा और प्याली मिलकर चीची माँ को कुछ। अच्छा जंगल बाईं तरफ है दाईं तरफ, यानी जगह कौन सी है? प्याली क्यों मेरे पीछे पड़े हो? किसने भेजा तुम? उत्तरा देवी ने? उत्तरा देवी ने नहीं, तेरी बहन फाल्गुनी ने। उसके पति से शादी करने वाली है ना तू, इसलिए तेरे नाम की सुपारी दी है हम लोगों को। अब तुझे मरना होगा। फाल्गुनी को तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब कैसे पहुंचो उस तक? पता नहीं कहां हो गई वो। अरे कैसे पहुंचो? फाल्गुनी को पता होगा। फाल्गुनी भेजे भेजे दे रहे गुंडे। तूने अच्छा नहीं किया फाल्गुनी, तूने अच्छा नहीं किया। मैं अपने सुरेश को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कर्मा। अब मुझे प्याली की जान लेनी ही पड़ेगी। उल्लू बना दिया तूने मेरा फाल्गुनी से प्यार की बात करके, और असली बात तो यह है तूने कभी प्याली को अपनी बहन माना ही नहीं। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं फाल्गुनी। ये कपड़ा कपड़ा शायद उसी का है, यही कहीं लगता है भाग गई। चलो